बस अब और बातें नहीं होंगी। आज हम लोगों की पॉलिटी की क्लास है, ओके? तो अब हम लोग पॉलिटी डिस्कस करेंगे। यहाँ पहले क्लास लेने में फायदा रहता है, थोड़ा और ऊंचा बोलने के लिए एनर्जी ज्यादा बची रहती है, क्लास तक आवाज जानी देगी ना। चलिए आई ट्राई कि कोई इश्यू नहीं हो। समझ में आएगा कि दो बड़े ही मेजर पोर्शन या मेजर चंक है
आपका यूपीएससी जो है क्वेश्चन पूछता है। अगर आप एक साइड डाल दो फंडामेंटल राइट, डीपीएससी, प्रीएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटी, तो एक साइड है ये वाला क्वेश्चन, और दूसरी तरफ जो पोर्शन है उस पोर्शन में आता है आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, प्रेसिडेंट, एमरजेंसी। एमरजेंसी नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन पार्लियामेंट अपने आप में एक बहुत ही मेजर टॉपिक। ओके, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब तक सेंट्रल लेजिस्लेचर, फिर आप स्टेट पीसीएस देते हैं तो आपका स्टेट लेजिस्लेचर, उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तीसरे पोर्शन में आता है आपका पंचायत। पंचायत आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि पंचायत से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपका स्टैटिक और करंट दोनों को मिक्स करके पूछता है। इसीलिए जब तक आपकी स्टैटिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, लास्ट में आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आवाज में, वॉल्यूम थोड़ा और जोर से बोलूं, नहीं ठीक है, चलो। तो यूपीएससी जो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो आपके स्टैटिक और आपका करंट, ये दोनों के पोर्शन को मिक्स करके पूछता है। करंट को समझने के लिए प्लस अपने आंसर सही ऑप्शन पिक करने के लिए आपको स्टैटिक की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान से स्पेसिफिकली आपके पॉलिटी का जो पार्ट मैं कराने वाली हूँ वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अ सिंगल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये भी कहा जाए आपको, एक सिंपल स्टेटमेंट जो आपको भी सुनने में लगे, कि प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ पार्टी और द लीडर ऑफ पार्लियामेंट, तो इवन दैट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये कहा जाए कि प्रेसिडेंट इज द ड्यूर हेड, या प्रेसिडेंट जो है वो एक नामित कार्यकारी होता है, तो ये भी अपने आप में स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पॉलिटी के लिए, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आई नीड टू डिस्कस सिलेबस और क्या क्वेश्चन का फॉर्म रहता है। पॉलिटी के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हैं। ओके, सबके पास लक्ष्मीकांत है, कितनों के पास नहीं है प्लीज रेज योर हैंड। गाइस, आपके यहाँ पे आई थिंक एक चारू एको है, नहीं मुझे उसका नाम नहीं पता, हाँ जो भी है एक टिपो है, वहाँ लक्ष्मीकांत अवेलेबल है। स्पेक्ट्रम लाने में देरी करी, नो इशू, लक्ष्मीकांत लाने में देरी मत कीजिए, क्योंकि आने वाले अभी बहुत वक्त तक आपके पास रहने वाले हैं। जो लेटेस्ट उसका एडिशन आपको मिले, ये परचेस करो, ये मस्ट है, बुक चाहिए। लक्ष्मीकांत के कोई नोट्स नहीं बन सकते, वो अपने आप में नोट्स फॉर्म में, और आपको जब जैसे एक मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए, जब ऐसा हो जाएगा ना कि आप लोगों को प्रिपरेशन करते हैं ऑलमोस्ट एक साल हो गया, आप 70-80% पॉलिटी या राज्य व्यवस्था समझ गए, यानी कि मोस्टली आपको चीज़ें समझ में आ गई, तब जस्ट अ पर्सनल सजेशन, आई डोंट थिंक ऐसा कोई सजेस्ट करता, पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी वेयर एक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का वो वेयर एक्ट जरूर लीजिएगा, और एक बार है ना उसको रीड करिएगा, उसको पढ़ के देखिएगा। मैं कारण बताती हूँ आपको इसका, इसका रीज़न जो है ना, इसका रीज़न ये रहता है कि लक्ष्मीकांत ने चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। 2016-17 तक जो है, 15-16 तक यूपीएससी का ट्रेंड देखेंगे ना, तो वो क्या करते थे कि आर्टिकल्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग की जो चीज़ें हैं, एनालिटिकल चीज़ें हैं, उनसे क्वेश्चन पुटअप करते। अब क्या देखने में मिल रहा है कि ये आर्टिकल्स की स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछते, जैसे एग्जैक्ट आर्टिकल में क्या बोला गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, आर्टिकल 75, क्योंकि लक्ष्मीकांत में आपकी जो हम रेफरेंस आप लोगों की होने वाली है, उसमें आप जो भी अनुच्छेद पढ़ेंगे ना, वो काफ़ी सरल भाषा में दिया, इसका फायदा है कि बहुत आसानी से समझ में आता है। पर आजकल के पेपर के ट्रेंड के हिसाब से मुझे लगता है कि कभी कभी थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जब एग्जैक्ट आर्टिकल में जो बोला गया है अगर वो पूछते हैं तो हम वहाँ एग्जाम में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बोलती हूँ, और एग्जाम्पल भी मैं इसलिए बोली क्योंकि मैं छुट्टी गलती करके आई हूँ। आर्टिकल 75 जब आप
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जनरली समानतर उत्तरदायी होती है और विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगर आप 75 को बेयर एक्ट से पढ़ो तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो ये है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी उत्तरदायी। क्वेश्चन इसी एक स्टेटमेंट से आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एक ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, दूसरा इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। या फिर असर्शन रीजनिंग में पहली स्टेटमेंट दे दी, कलेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। ओके, अब हम जब लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में उसको क्लिक करता है कि हमने तो पार्लियामेंट भी पढ़ा था, तो हो सकता है कि पार्लियामेंट भी हो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। बट नहीं, अगर आप आर्टिकल 75 के एग्जैक्ट पैरेंट की स्टेटमेंट में जाओगे, प्रत्येक स्टेटमेंट इज इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। समझ में आया जो मैं बताना चाह रही हूँ? अब जैसे एक और एग्जाम्पल, आर्टिकल 14 पर, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन। देखिए मेरा पॉलिटिकल मीडियम इंग्लिश रहा है लेकिन मैं हिंदी में आप लोगों को कराऊंगी, तो जैसे आपका हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, वैसे पॉलिटी में भी इशू नहीं है। हाँ, पॉलिटी में मेरी तरफ से शायद मेहनत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि हिस्ट्री में तो ऐसा होता है कि आप स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिखवा सकते हैं, लेकिन पॉलिटी का हर एक स्टेटमेंट आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर दैट मैटर आपको जैसे पवित्र सर भी कुछ टॉपिक कराने हैं या फिर कोई और फैकल्टी आपको पॉलिटी में कराने हैं, पॉलिटी आपको ये ही समझ के पढ़नी है कि इसमें जो बोला गया है ना सिर्फ उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, सबसे इसका मुझे सही एग्जाम्पल लगता है आर्टिकल 3 जो तीसरा अनुच्छेद है हमारे संविधान का, वो ये बोलता है कि सेंटर कैन ऑल्टर द एरिया नेम एंड बाउंड्री ऑफ एनएससी। सेंटर जो है, केंद्र जो है, राज्य के एरिया क्षेत्र नाम और उसकी बाउंड्री को बदल सकता है। ओके, आप जब नॉर्मली पढ़ते हैं सिंपल सी बात है, नाम को क्षेत्र को बदल सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप एग्जाम में अगर मान लीजिए चार स्टेटमेंट देते हैं कि वो नाम को बदल सकता है, बाउंड्री को बदल सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी को बदल सकता है, या किस चीज को बदल सकता है, आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ वो ये कि जितना होता है हम संविधान पढ़ रहे हैं तो अपनी तरफ से कुछ मत जोड़ो, जो जोड़ना था जो नहीं जोड़ना है वो काम पार्लियामेंट में है। आप समझ रहे हो पॉलिटी का क्या वैल्यू है एक एक वर्ड का? ये वर्ड संविधान में लिखा है, जितना चाहे ज्यादा लिखा है चाहे कम लिखा है, लेकिन वही हमारे लिए पत्थर की नदी, उतना ही। जब तक संसद उसमें संशोधन नहीं कर देती तब तक कुछ संशोधन नहीं। एक सीधी सी बात, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 हम पढ़ते, अनुच्छेद 74 में हम पढ़ते हैं देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके हेड प्रधानमंत्री होंगे और वो सलाह देने का काम करेगी प्रेसिडेंट, ठीक है। द एडवाइस सो रेंडर्ड शुड बी मतलब सेंट टू रीकंसिडरेशन, यानी उसे दोबारा भेजा जा सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब शेल, खाली एक वर्ड कि द एडवाइस शेल बी बाइंडिंग, मतलब शेल लग गया, द प्रेसिडेंट शेल गिव इट, कहते हैं ना कंसीडर करके उसको उसको वो सलाह माननी ही पड़ेगी। सिर्फ एक शेल वर्ड ऐड करने के लिए पूरा का पूरा आपको 42nd अमेंडमेंट पास करना। और इस शेल शब्द से क्या हुआ, पहले कि पहले स्टेटमेंट भी सिंपल नाम को शब्दों में बताती हूँ, बहुत डिटेलिंग में जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये तब करें, सिंपल शब्दों में पहले बोला गया था
और ये माना जाता था कि राष्ट्रपति को सलाह दी जाए कि वो मान ले, लेकिन फिर ऐड कर दिया गया कि दैट वाइज शेड देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ नेशंस, वो होनी ही चाहिए जो सलाह देगी, यानी कि उसकी सलाह के बिना प्रेसिडेंट कुछ कर ही नहीं सकता। ये अमेंडमेंट लाया गया, आप समझ रहे हो एक एक वर्ड का क्या महत्व है। तो पॉलिटी को कोई ऐसे नहीं पड़ेगा कि मतलब जैसे जनरली ग्रेजुएशन में जब आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट होगा ना राजनीति विज्ञान का, तो इसी वजह से संविधान वाले पेपर में बच्चों के नंबर नहीं आते, क्योंकि उनको प्रियम्बल बोल देते हैं समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में वो कुछ भी लिख के आते हैं, मतलब उसमें संविधान में स्पेसिफिकली लिखा है आर्टिकल 14, 15, 15 पढ़ोगे कि नो प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अगर पांच है तो पांच ही है, आप पेपर में 6, 7, 8 पता नहीं क्या लिखा है, एंड दैट इज व्हाई मार्क्स कट है। जो आपने लिखा वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो उस आर्टिकल में नहीं, समझ रहे। तो रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ अगर है, रिलीजन धर्म के आधार पे, रेस नस्ल के आधार पे, कास्ट जाति के आधार पे, तो यही है। आप जेंडर नहीं डाल सकते क्योंकि अनुच्छेद में जेंडर नहीं है, आप लिंग नहीं डाल सकते। किस हिसाब से हमें पॉलिटी के प्रति हमारा अप्रोच होना चाहिए, और पहले आप लोग अच्छे से पहले पहले कोई मत उठाना, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। पहले पॉलिटी समझ लो अच्छे से, लक्ष्मीकांत पढ़ के उससे बढ़िया सी दोस्ती करो, और उसके बाद जैसे होता है ना कि एक स्टेज आती है ना, जब आप लक्ष्मीकांत के 3 दिन में खत्म करो एक स्टेज आती है, तब आप एक बार जरूर बैर, क्योंकि तब आप बैर करोगे तो आपका 1 दिन में खत्म हो जाएगा, आप करोगे तो आप पूरे साल बैर करते रह जाओगे, डिटेलिंग तो होती नहीं है किसी चीज की। और क्वेश्चंस जो है वो आर्टिकल्स के अंदर से भी पूछे जाते हैं, और आजकल आपके जो आर्टिकल की स्टेटमेंट है उससे भी पूछे। तो आप सब लोगों को क्लियर है, ठीक है? आप लोगों की पहली क्वालिटी की क्लासेस हुई है, तो आप लोगों के क्या टॉपिक चल रहे हैं अभी? सेलिंग फीचर्स हो गए हैं, तो उसमें आप लोगों ने शेड्यूल वगैरह के बारे में देखा होगा ना, फंडामेंटल राइट बोला जाए तो प्रीएम्बल, डीपीएससी और एक्टिव की छोड़।
देखिए मेरा पॉलिटिकल, और आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरी ये फर्स्ट टाइम थी कि मैं पॉलिटिकल हूँ। अदरवाइज मैंने लास्ट बैच, वैसे लास्ट बैच में मैंने जैसे हिस्ट्री कराया था, इस बैच में मैं हिस्ट्री आप लोगों को कराई थी। और आप जानते हैं कि मेरा मीडियम इंग्लिश रहा, तो पॉलिटी में वैसे इंग्लिश हिंदी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और पॉलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वर्ड्स हैं एक्जैक्टली। लेकिन फिर भी मतलब जो है, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा बैलेंस करें, ओके, ये चीज़ को समझें कि थोड़ा मुझे क्या है पॉलिटी का, मतलब जहाँ आप लोगों को ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी मीडियम के थ्रू हो रहा है या वो, तो आप लोग मुझे बेझिझक बोलें, कोई इशू ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए मुझे रेफर करनी पड़ेगी। मॉडर्न इंडिया में या जब मैं हिस्ट्री कर रही हूँ तो ऑनेस्टली मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलती हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म होते हैं उनको अपने पास हिंदी में चेक करती हूँ, क्रॉस चेक करती हूँ, ताकि कुछ मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग ना हो। लेकिन पॉलिटी में मुझे भी वर्ड बाय वर्ड चीज़ें एक एक देखनी पड़ेगी, और वो मैं देख रही हूँ। तो आप उस चीज़ को जो है, किसी को भी कहीं पर भी कोई उसमें इशू आए तो मुझे एक बार जरूर बताएगा। मैंने हिस्ट्री की क्लास में भी कहा था और मैं एक बार क्लास में, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो मैंने तैयार किया मान लीजिए हिंदी, वो मैंने हिंदी में बताया, पर कई बार कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जिसका टर्म जो है वो मुझे इंग्लिश में पता है, अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो मेरी टांग कोई नहीं खींचेगा कोई, ठीक है। तो आप लोग जो है, क्योंकि कई बार कई कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे हमने कहीं कुछ भी पढ़ा होता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होता है ठीक है, और वो इंग्लिश में आपको समझ में आ गया होता है, तो ऐसा थोड़ी ना आप उसको ट्रांसलेट करते हो दिमाग में, वो ऐसे तो आपके दिमाग में रहता है, ओके। और पॉलिटिक्स के साथ हम लोग जो है, जैसे अभी महाराष्ट्र वाला केस चल रहा है या कुछ चल रहा है, करंट की चीज़ें भी जो रहेंगी ना, हम कोशिश करेंगे कि हम साथ में डिस्कस करें, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग करंट अफेयर्स देखें, ओके। पॉलिटी में देश में आप जैसे महाराष्ट्र वाला केस, हम अपना पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट करके महाराष्ट्र वाले केस को तब देख सकते हैं जब वो ऐसा नहीं हो कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो। डिस्कशन करंट की हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आप कुछ बोलो और फिर मैं कुछ बोलूँ, मैक्सिमम आप बोलो और कम मैं बोलूँ, ओके, तब आप लोग का, अदरवाइज फिर फायदा क्या स्टैटिक की क्लासेस लेने का ना, करंट अफेयर की कोई क्लास नहीं होती, कहने की बात होती। आप एक बार बताओ, आपको लोकसभा समझ में आ गई तो लोकसभा से चाहे कई कोई भी न्यूज़ आए वो आप खुद ही पढ़ सकते हो, उसको समझने की क्या, उसको पढ़ाने की क्या जरूरत है, ओके। चलिए तो अब है आपका टॉपिक राज्य व्यवस्था में, पॉलिटी में पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था समझने से पहले आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ, किसी भी सरकारी संगठन की या किसी भी सरकारी शासन प्रणाली की, कोई भी मतलब जो शासन प्रणाली होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, उसके 3 मुख्य अंग होते हैं, ओके। गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है आपका लेजिस्लेचर यानी कि आपकी विधायिका, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और तीसरा होता है आपका जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। जो कानून बनाए वो है विधायिका, जो उस कानून को लागू करे वो है कार्यपालिका, और जो उसकी जांच करे वो है न्यायपालिका। इतना अभी के लिए समझो। अब मैं टॉपिक शुरू करती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी डिटेलिंग हमें क्यों करनी है, ठीक है।
देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 74 और 75 पार्लियामेंट के बारे में और आर्टिकल 163 एंड 164 ये बात करते हैं स्टेट लेवल या राज्य के लेवल पे संसदीय व्यवस्था के बारे का इसमें प्रावधान दिया गया है। हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 74 और 75 में सेंटर या केंद्र में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है और स्टेट में आर्टिकल 163 और 164 में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान। अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो तरीके की मुख्य व्यवस्थाएं ठीक है, कोई भी जो डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इनके बीच में संबंधों की प्रकृति कैसी है उसके आधार पे दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है आपकी संसदीय व्यवस्था और दूसरी होती है आपकी राष्ट्रपति व्यवस्था। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज पार्लियामेंट्री सिस्टम और दी पार्लियामेंट्री सिस्टम और दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम नॉट जुडिशरी राष्ट्रपति या संसदीय व्यवस्था। ओके, अब संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था में कैसे संबंध होता है ठीक है, लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के बीच। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें या संसदीय व्यवस्था की बात करें तो संसदीय व्यवस्था में एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका ये उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, लेकिन और इसका कार्यकाल कार्यपालिका का कार्यकाल यानी ये कितने समय तक शासन में रहेगी अपने ऑफिस में रहेगी वो निर्भर करता है विधायिका पे लेजिस्लेचर पे। वही दूसरी ओर राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यपालिका संवैधानिक रूप से विधायिका से स्वतंत्र होती है, कार्यपालिका पहली बात उत्तरदायी नहीं होती विधायिका के प्रति और दूसरी चीज संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के लिए ये स्वतंत्र होती है। समझ में आया? ओके, इंग्लिश में इसको अगर मैं बताऊं तो इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल एंड इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर फॉर इट्स टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द ड्यूरेशन। Whereas in the presidential system of government, executive is constitutionally independent from legislature in term of the in context of its duration, in context of its duration, and also it is not responsible to the legislature for its acts and its policies. समझ में आया? English medium, Hindi medium दोनों बिल्कुल clear है? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इससे आप विश्वास नहीं करेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो सिस्टम जिसमें कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति और राष्ट्रपति व्यवस्था वो व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों और अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकती। ओके, चलिए आप लोग लिखिए, ये तो आपने लिख लिया है जो मैंने बोला है। चलो देखो, थोड़ा लिख लिया करो, फिर समझ में नहीं आएगा। सरकार के कार्यपालिका संसदीय व्यवस्था है, अभी अमेरिका में लिखवा रही हूँ जो मैंने आपको समझाया और अब जो मैं बोल रही हूँ मैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ तो आप कोशिश कीजिए कि आप साथ में थोड़ा उसको स्क्रिबल डाउन करें, थोड़ा सा लिखें ठीक है।
कार्यपालिका और विधायिका के अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संबंधों की प्रकृति के आधार पर एक लोकतांत्रिक सरकार को संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार को राष्ट्रपति और संसदीय व्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैं थोड़ा फास्ट चलने वाली हूँ पॉलिटिक्स, ओके? इसलिए कोशिश कीजिएगा कि चीजें थोड़ी साथ में लिखें। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव and legislature, a democratic government are classified as parliamentary form of government and presidential form of government. संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राष्ट्रपति व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए विधायकों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जबकि राष्ट्रपति व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द सिस्टम इन विच एग्जीक्यूटिव लास्ट में प्लीज बातें मत करो, मेरा सही में मुंह दुखने लग गया है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी इतनी बढ़िया एक्सरसाइज हो रही है, प्लीज पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इज द सिस्टम इन विच एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट
ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हाटएवर यू लाइक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट इन विच एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज. इतना हिंदी मीडियम वाले जो अभी लिखा है उसको पढ़ेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको मैंने पढ़ लिखा है. इन विच द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट जरूरी है कि हमें एक उत्तरदायी सरकार मिले. क्लियर?
जो आपका डाउट था महाभियोग वाला, वो भी हम आगे करेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? अब देखिए, जो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इवन जो जो मैं आपको पढ़ा रही हूं आज, जो जो नाम बता रही हूं, जो जो कॉन्सेप्ट बता रही हूं, एक एक से सवाल बन जाते हैं। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। या फिर इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा गया है। ठीक है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट की सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स टू द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, क्योंकि अपने कार्यों के लिए, अपनी नीतियों के लिए जो भी ये करती है उसके उसके लिए ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसद जो है कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इसे हटा सकता है। मेन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो पॉइंट है वो वैसे यही है कि ये उत्तरदायी होती है। अच्छा, अब जब हम लोगों ने, मैंने आपकी क्लास की शुरुआत करी थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि एक होता है आपको पहले आप लोग ये लिख लीजिए, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या आगे लिख लिया, ये शक्ति का केंद्र होता है। ओके, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो रीजन की वजह से, एक तो कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है सरकार को संसदीय व्यवस्था में, और दूसरा इट इज रिस्पॉन्सिबल, वही जो हमने पहली लाइन लिखी थी, फॉर इट्स पॉलिसी, अपने प्रोग्राम, अपने कार्य, अपने काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके प्रति, पार्लियामेंट के प्रति। ये दोनों स्टेटमेंट क्योंकि हम कर चुके हैं ना पहले, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। हाँ जी, बाद अभी नहीं, वो हो जाएगा, वो अभी आगे आएगा, पार्लियामेंट टॉपिक आएगा उसमें डिटेल हो जाएगी। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव पे आपका क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव हम आगे डील करेंगे, वो तीनों का क्या, चलिए बताइए। करेक्ट, फाइनेंस मिनिस्टर क्या है आपका, एक
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, करेक्ट? पॉलिटिकल, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अगर कंटेक्स्ट में देखो, फाइनेंस मिनिस्टर एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, बिल्कुल। अब इसके सामने परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी विद सचिव, विद सचिव बिना फाइनेंस मिनिस्टर के साइन के कुछ कर सकता है? नहीं। तो इवन एक मिनिस्ट्री या एक डिपार्टमेंट में भी एक आपका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, लेकिन साथ में ही वो मेंबर है किसका? पार्लियामेंट का। तो वो किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का। किसके कंटेक्स्ट में? इस परमानेंट एग्जीक्यूटिव के कंटेक्स्ट। जो वित्त सचिव है उसके लिए एक फाइनेंस मिनिस्टर वो संसद या फिर आपकी विधायिका का एक अंग है, जिसके प्रति जो वित्त सचिव है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो समझ रहे हो, उत्तरदायित्व का सिद्धांत यहाँ पे भी काम कर रहा है। अगर उस फाइनेंस मिनिस्टर को मैं इस पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में देखूं, तो ये यहाँ क्या है? एक कार्यपालिका का पार्ट हुआ, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हुआ, एक कार्यकारी हुआ, सरकार का पार्ट हुआ, करेक्ट? और ये रिस्पॉन्सिबल किसको होगा? संसद को। तो यहाँ भी किसका उत्तरदायित्व? विधायिका का उत्तरदायित्व कार्यपालिका के प्रति। समझ में आया ये आपको? वो कभी भी जब आप आगे पॉलिटी करें या कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? लोक प्रशासन, मतलब ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लोक प्रशासन में हम स्टडी करते हैं कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के बारे में, सरकार कैसे काम करती है। और आप यकीन मानिए, जब हम सरकार कैसे काम करती है ये पढ़ते हैं ना, तो हम पार्लियामेंट और सारी चीजें पढ़ते हैं। मेरा मान लीजिए, मेरा विषय तो कार्यपालिका है, तो मैं लेजिस्लेचर क्यों पढ़ूं? क्योंकि जो कार्यपालिका में मेरे सामने एक सिविल सर्वेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, एक आईएएस ऑफिसर क्या करता है, हम उसके बारे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, सरकार कैसे काम करती है। जो मेरे सामने जब मैं सिविल सर्वेंट पढ़ूं, तो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लेजिस्लेचर का पार्ट है? क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इंडिया में क्या प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 6 महीने तक बिना संसद का सदस्य बने मिनिस्टर बन सकता है। अगर उससे ज्यादा टाइम के लिए उसे मिनिस्टर रहना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन लड़के मेंबर बनना पड़ेगा। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर है? चलिए, अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का आई थिंक कॉन्सेप्ट में अब कभी डाउट नहीं होना चाहिए। दो पार्ट इसके ना, रिस्पॉन्सिबल है यानी कि अकाउंटेबल है अपनी नीतियों के लिए, और अविश्वास, हाँ जो संसद है उसमें सिर्फ उसकी पार्टी या मतलब
शायद यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट वो संसद का सिर्फ 10 या 15% होती है, ओके? और पॉलिसी कौन बनाता है? संसद बनाता है, सिर्फ सरकार नहीं, क्योंकि प्रोविजन हमारे संविधान में ऐसा दिया है कि कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल ला सकता है, कोई भी बिल ला सकता है। ये बात अलग है कि पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। तो अगर कोई भी पॉलिसी सरकार ने बनाई है, कोई भी नीति बनाई है, उससे लोगों का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसकी चर्चा करने के लिए सेशंस होते हैं, करेक्ट? मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, जब वो सेशंस होते हैं तो उसमें डिस्कशन होती है, क्वेश्चन आर होते हैं। जब बजट पास होता है, जब बजट आता है, तो कई तरीके के मोशंस आते हैं, कट मोशंस, पॉलिसी कट, मतलब कुछ अलग अलग ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जिससे आप उनसे सवाल पूछते हो कि तुमने पैसा कहाँ लगाया या तुमने ऐसा क्यों करा। जब ये होता है तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट जो, मतलब संसद ने जो भी बिल वगैरह पारित कर, मान लीजिए कोई भी एक्ट पारित कर और वो दे दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि तुम जाओ और इसको इंप्लीमेंट करो, मैंने क्या बोला, कार्यपालिका क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको इंप्लीमेंट कर रही है। यहाँ तक क्लियर है ना? बिल्कुल। तो वो किसका पार्ट हो गई? विधायिका का। एक मिनिस्ट्री जो है वो विधायिका का पार्ट हो गई। अब उस मिनिस्ट्री के अंदर उस बड़ी सी पॉलिसी को लागू करने के लिए छोटे छोटे कदम लिए जाते हैं, और ये कौन करता है? ये करते हैं सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट जो उसको फील्ड में लागू करेंगे, ओके? और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके प्रति? मिनिस्टर के प्रति। और हमारे गवर्नमेंट में ये प्रोविजन है कि अगर आपको सरकार में मंत्री बनना है तो पहले आपको विधायिका का सदस्य बनना पड़ेगा, विधायिका माने संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे से उलझी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं और उत्तरदायी भी हैं, क्योंकि काउंसिल मिनिस्टर क्या करेगी उसके अगेंस्ट अगर वो पसंद नहीं आ रही है सरकार, अविश्वास सरकार जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पारित करो, उसका रीजन भी नहीं देना होता और बोल दो कि हमें नहीं देते, गिर जाएगी। अभी भी कुछ डाउट है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जैसे सिविल सर्वेंट पेपर दे के बनते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन? जो चुन के संसद में से सरकार का हिस्सा बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बनते हैं, कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं, ओके? और कुछ डाउट है? देखो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में जरूर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बाद नेक्स्ट है वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जो संसदीय व्यवस्था है, अगर इसके ओरिजिन की बात करें, इसके उद्भव की बात करें, तो इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन हुआ है ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय व्यवस्था से। ब्रिटेन का जो संसद है वो है आपके वेस्ट मिनिस्टर, जो जगह जैसे हमारा रायसेना बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन वगैरह रायसेना दिल्ली में है ना, तो वही लंदन में एक जगह है वेस्ट मिनिस्टर, जहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। और क्योंकि दुनिया में लोकतंत्र में गर्ल्स प्लीज बातें मत करो, आई एम रियली वेरी टायर्ड, बातें मत करो। तो अगर ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करें हम दुनिया में डेमोक्रेसीज में, वो जहाँ से आया है वो आपका ब्रिटेन, वो जिस जगह पे उनका पार्लियामेंट है वो वेस्ट मिनिस्टर है, इसलिए इसको बोल देते हैं वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब तीसरा, ये नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री की सरकार या पीएम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को पीएम को बोला गया है प्रीमस इंटर पेरिस, इंग्लिश हिंदी में यही लिखा जाएगा, प्रीमस इंटर पेरिस, ठीक है? पहले लिखिए फिर बताइए, प्रीमस इंटर
डर पेरिस प्राइम मिनिस्टर को बोला गया है। प्रीवस इंटर पेरिस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
संसदीय व्यवस्था की विशेषता। चलिए कल कर सबके चेहरे लटक गए।